आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी का 130 है तथा सी और ए का 140 है, तो सी के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, ए और बी का योग कितना है, अंकों का योग 120। समीकरण एक बना देते हैं इसको। बी और सी का योग कितना है भाई, 130 है, इसको समीकरण दो बना लेते हैं। फिर आगे कहा है सी और ए का योग कितना है, 140, समीकरण तीन बना लिया। हमें सी के द्वारा प्राप्त अंक निकालने हैं। कैसे होगा, समीकरण दो को और तीन को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 130 प्लस 140 बराबर क्या हो जाएगा, 0, 4, 3, 7 और 1, 1, 2। इधर क्या हो जाएगा, 2c प्लस a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 270। समीकरण एक में a प्लस b का मान दिया गया है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं भाई इसके स्थान पर 270। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2c बराबर ये माइनस में उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, क्या बचेगा भाई यहाँ पर, 0, 7 में से 2 घटाओगे 5, 2 में से घटाओगे 1 और 2 इधर मल्टीप्लाई में c के इधर आएगा डिवाइड में, तो c का मान क्या आ जाएगा, 214 और 2 × 5 = 10। तो c से या c के द्वारा प्राप्त अंक 75 है, 75। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज फुल डोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।